नमस्ते, मैं हूँ सान्या सिंह और आप देख रहे हैं द ऑर्चर्ड। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि नई पीढ़ी को 21वीं सदी के ज्ञान और कौशल से वंचित नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में सरकार पीएम शी स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो भविष्य के छात्र तैयार करने के उद्देश्य से पूरी तरह आधुनिक सुविधा से लैस होगा। गुजरात के गांधीनगर में देश भर के शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही। प्रधान ने कहा, हमें पीएम शी स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो भविष्य के छात्र तैयार करने के लिए पूरी तरह से सुविधा युक्त होगा। ये अत्याधुनिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रयोगशाला होगा। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में उन्होंने कहा, हम सभी को मिलकर काम करना है, एक दूसरे के अनुभवों और सफलताओं से सीखना है तथा भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान व अन्य सुधारों ने शिक्षा नीति पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार विमर्श व अनुभव सहित हम शिक्षा नीति 2020 को एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं।